नमस्कार दोस्तों, अभी हम आए थे मुक्ति धाम और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ दिख गया। खाके बैठा हुआ है, देखिए ना, खाके बैठा हुआ है अपना खाना। और ये छोटा सा सांप है, कोई नुकसान नहीं है इससे। और अभी ये मुझे गंदा भी करेगा। हाँ, ये दामन सांप है। तो नमस्कार दोस्तों, अभी हम आए थे मुक्ति धाम और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में जो आया है वो एक दामन सांप है और ये कुछ खाकर बैठा हुआ है। और अब ये इसको निकालने के चक्कर में, और ये देखिए, जब इसको गुस्सा आता है तो बहुत जोर से बाइट करता है, बिल्कुल छोड़ेगा नहीं। और अभी वो गुस्से में आ चुका है क्योंकि सांप को अगर परेशान किया जाए या उसे पकड़ लिया जाए तो वो काटने के मूड में आते हैं। लेकिन ये सांप विषैला और जहरीला नहीं होता, लेकिन काटता बहुत जोर से। तो अभी वैसे भी ये नेचुरल एरिया में है, इसको थोड़ा सा उधर छोड़ देते हैं क्योंकि यहाँ पर आसपास सब फॉरेस्ट एरिया है। तो इसको हम जार में नहीं करेंगे और वापस उस एरिया में छोड़ देंगे। नहीं, तो दोस्तों मुझे इसको हेड से कैच करना पड़ा क्योंकि इसने बाइट करते हैं, बहुत जल्दी बाइट करते हैं। तो अभी इसको यहाँ पर हम वापस रिलीज कर रहे तो नमस्कार दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह से अभी हमने रेड स्नेक यानी धामन सांप को यहाँ मुक्ति धाम एरिया से रेस्क्यू किया। और चूंकि उसको हमने जार में नहीं करा, यहीं से थोड़ा सा पीछे की तरफ हमने उसको रिलीज कर दिया क्योंकि यहाँ पर पूरा फॉरेस्ट एरिया है। तो सांपों को जार में करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सांप किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, जहरीला सांप नहीं था, इसलिए मैंने उसको ज्यादा दूरी पर ना छोड़ते पीछे की तरफ जो है रिलीज कर दिया है। उस सांप से किसी को कोई नुकसान नहीं है और वो फॉरेस्ट एरिया में अच्छे से रह पाएगा। और आज हमको फोन किया था आकाश जी ने और यहाँ पर हमने सांप को अच्छे से रेस्क्यू कर लिया और वापस मुक्त भी कर दिया। तो इसी तरह से अगर दोस्तों हमारे वीडियो आपको पसंद आते हैं तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री माता।